अभी आपको आगाह करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली। हज दरखास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। हज रवानगी के लिए सऊदी हुकूमत हिदायत के तहत नई एडवाइजरी जारी करेंगे, वजारत सेहत की जानिब से ये बताया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क मौजूद हैं, मजीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। जी बाबर, बताइएगा, तमाम तरह SOPs जो है उनको खत्म कर दिया गया है? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने COVID-19 के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियाँ हटा ली हैं और वजारत सेहत ने इस मामले की तस्दीक करते हुए बताया है 24 न्यूज़ को कि हज दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत भी अब नहीं है। अगर जो हज दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं आज़मीन हज, वो मुख्तलिफ बैंक हज दरख्वास्तों के साथ जो उनसे कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उनको देने की बैंक को ये जरूरत नहीं है। इसके अलावा वजारत सेहत ने यह भी बताया है कि हज पर रवानगी से पहले सऊदी हुकूमत की हदायत की रोशनी में नई एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। दूसरी जानेब तो 24 न्यूज़ को दस्तावेजात मौसूल हुई हैं NCOC की, उनके मुताबिक पाकिस्तान में दाखिले के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले अफराद को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है, NCOC का ऐसे बताना है। इसके अलावा सफरी पाबंदियां हटाने का जो फैसला आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन की रोशनी में किया गया है, NCOC का ये बताना है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरपोर्ट और पॉइंट ऑफ एंट्री पर 2% कोरोना टेस्टिंग भी खत्म कर दी गई है। एयरपोर्ट पर वबाई अमराज के हवाले से निगरानी ताहम जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया बाबर, आपने आगाह किया।